गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा चोपड़ा, आई एम वोकेशनल ट्रेनर एट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रेहाड़ी। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस। एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस जो माया में एक टूल बार होती है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट की या अपने करेक्टर की जो भी हमने एनिमेशन डिज़ाइन की हुई है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके क्या क्या प्ले करने के फीचर्स हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के फीचर्स या उसमें जो भी चेंजेस करते हैं हम लोग, जैसे फ्रेम रेट इंक्रीज करना है या फ्रेम रेट डिक्रीज करना है, जो आप इंटरफेस है आपका उसके साथ, जो आपका फ्रंट है उसको फुल स्क्रीन में देखना है या शॉर्ट स्क्रीन में देखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस से कंट्रोल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस माया में कैसे किया जाता है। तो मैंने माया का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि ओपन होने में उसको टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है। तो ये हमारा माया का सॉफ्टवेयर है जो भी आपकी स्क्रीन पे है। तो माया जो है ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो जो आपकी स्क्रीन है ये आपको इस तरह से थोड़ी सी टिल्ड दिखती है ताकि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी आप डिज़ाइन करोगे करेक्टर वो आपको 3D में दिखे। यहाँ माया के टूल्स आ जाते हैं डिफरेंट, जैसे मूव टूल है, स्केल टूल है, रोटेट टूल है, सिलेक्ट है, लेसो है। उसके बाद ये हमारे पास व्यू पैनल है, अलग अलग तरह से हम अपने जो स्क्रीन है या जो अपना ऑब्जेक्ट हम वर्क करने वाले हैं जिस पे, उसको अलग अलग व्यू में चेक कर सकते हैं। जैसे पर्सपेक्टिव व्यू है जहाँ हम लोग काम करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिखाता है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। इसके अलावा आप कस्टमाइज व्यू भी क्रिएट कर सकते हो या फिर अपनी मर्जी से अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसी भी एंगल में कैमरा सेट करके, वर्चुअल कैमरा होता है इसके अंदर, वो सेट करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखेगा। अभी हम पर्सपेक्टिव व्यू पे वर्क करेंगे, देन उसको हम अपने ऑब्जेक्ट को हर तरह से देखेंगे। तो ये जो नीचे आपको टूल दिख रही है ये है आपकी एनिमेशन टूल, जिस और ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं और ये प्रेफरेंसेस में जाके हम जो है इसके इंटरफेस की सेटिंग करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो इसी बारे में है सारा, कि एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस क्या है। तो ये जो नीचे आपको पूरी टूल दिखाई दे रही है जिसमें ये सीरियल्स लगे हुए हैं, नंबरिंग है, प्ले पॉज की ऑप्शन है, नेक्स्ट फॉरवर्ड की ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपके एनिमेशन कंट्रोल से रिलेटेड है। तो यहाँ स्लाइड में भी मैंने इसकी पिक्चर कैप्चर की हुई है, जिसमें यहाँ से आप फ्रेम रेट एंटर करते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसी के रिलेटेड। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट में, देन पॉलीगन प्रिमिटिव, और हमारी बुक में क्योंकि बाउंसिंग बॉल का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत जगह पे डिफाइंड है, क्योंकि बाउंसिंग बॉल से हम एनिमेशन के जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उनको भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी बाउंसिंग बॉल की जो है वो एग्जांपल लेंगे। तो सिलेक्ट टूल लेके मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ। मैंने सेंटर में क्लिक किया तो हम इसको ड्रैग करके डायरेक्ट ले आए। अगर हम ग्रीन एरो से करते तो अप जाना था, राइट, ब्लू एरो से लेफ्ट। तो ये तीनों जो हैं ये मैनिपुलेटर हैं जो एक्स वाइज और जेड डायरेक्शन में जो है हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। ये हमारा रोटेट टूल है और ये हमारा स्केल टूल है, जिससे हम ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। अगर इस ऑब्जेक्ट को अभी हम सपोज अगर आप देखना चाहते हो, ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू था जहाँ से हम वर्क कर रहे थे, फ्रंट से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेगा, साइड से ये, एंड देन टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग अभी पर्सपेक्टिव व्यू पे काम करेंगे। अब इसकी रोटेशन जो है थोड़ी सी सेट कर लेते हैं बॉल को। तो रोटेट टूल से मैंने बॉल को, ये जब आप इसको डीसिलेक्ट करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए इससे अभी हम की फ्रेम एनिमेशन बनाने वाले हैं। की फ्रेम एनिमेशन से हम विद द हेल्प ऑफ एस की, कीबोर्ड में जो एस लिखा होता है उसको प्रेस करके जो है आप अपने एनिमेशन की जो की फ्रेम्स हैं उनको सेट कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ मेरा जो बॉल है वो यहाँ से बाउंस करना शुरू करे, तो इस वजह से मैंने जो है अभी ठीक है, तो इस जगह पे फर्स्ट फ्रेम से
तो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हो और माउस से क्लिक करके भी इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ मेरा बॉल यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे एस प्रेस किया, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले रेड लाइन नहीं थी, एस प्रेस करने से रेड लाइन आ गई। ये जो रेड लाइन है इसको हम मार्क कहते हैं या टिक कहते हैं माया में। तो ये टिक डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर एनिमेशन कंट्रोल में मेरे जो की फ्रेम्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। की फ्रेम वो स्पेस होती है या वो एरिया होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर मूवमेंट या पर्टिकुलर इमेज को उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर रखता है। जैसे फ्रेम नंबर 1 में मेरे बॉल की जो पोजीशन है वो यहाँ है। अब मैं चाहती हूँ फ्रेम नंबर 15 पे मेरा बॉल जो है थोड़ा सा अप जाए यहाँ पे। फ्रेम नंबर 15 पे एस प्रेस किया मैंने। अब जब फ्रेम नंबर 15 पे हम लोग क्लिक करेंगे बॉल यहाँ आएगी, फ्रेम नंबर 1 पे चलेंगे तो बॉल बैक, ये इस तरह से। तो इसने क्या किया है, फ्रेम नंबर 1 ने और फ्रेम नंबर 15 में मेरे बॉल की अलग अलग पोजीशन को स्टोर कर लिया है। तो ये जो स्टोर किया है मेरे अलग अलग फ्रेम्स की पोजीशंस को, इस तरह की एनिमेशन जिस एनिमेशन में हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट या करेक्टर की पोजीशन को की फ्रेम्स में स्टोर करते हैं, इसको की फ्रेम एनिमेशन कहते हैं। अब मैं 30th पॉइंट में जाके मैंने बॉल को नीचे बाउंस करवाया और यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। अब 30th पोजीशन पे बॉल की पोजीशन ये डाउन है। अब देन 45 पे क्लिक किया, बॉल को फिर अप ले गए और यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, तो 44 पे ये आ गया। 60 पे जाके, ये आपकी चॉइस है, आपको जैसे मर्जी डिज़ाइन करनी है आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो मैं अभी अपने हिसाब से कर लूँ, ये आपकी वैल्यू जो है ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे रखना चाहते हो, कहाँ बाउंस कराना चाहते हो, किस तरह से करना चाहते हो, तो ये सारा आप पे डिपेंड है। वो सेम एक्शंस को रिपीट करना है, सेम मैं वही करी जा रही हूँ, अलग अलग की फ्रेम्स पे बॉल को अलग अलग पोजिशन पे लेके जा रही हूँ एंड देन एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये डाउन कर दिया, यहाँ तक फिलहाल मैंने 150 फ्रेम तक इसको रखा है। अब मैंने फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक किया है, यहाँ से प्ले करेंगे तो ये मेरी बॉल बाउंस करना शुरू हो गई है। तो अब हम जो ये बॉल बाउंस कर रही है, ये की फ्रेम आपको समझ आ गए। उसके बाद मेरा की फ्रेम फर्स्ट से शुरू हुआ था, इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन जो है यहाँ पे फर्स्ट है। एंड पॉइंट क्या है मेरा, 115 है, तो ये इसके एंड पॉइंट यहाँ पे स्टोर है। यहाँ पे 120 और 200 बाय डिफॉल्ट है, बट मेरी एनिमेशन अगर 115 तक ही चल रही है तो मैं उसको 115 पर चेंज कर सकती हूँ। अब उसके बाद है प्रेफरेंसेस कंट्रोल, मतलब इंटरफेस, कि आप इसकी स्पीड कैसे रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट हम लोग 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पे प्ले करते हैं, अगर हम चाहें तो फ्रेम रेट जो है उसको कम भी कर सकते हैं। तो ये है 24 फ्रेम पर रेट। अब मैं इसको कम कर देती हूँ, सपोज मैं कर देती हूँ 10 फ्रेम्स। सेव करते हैं, प्ले करके देखते हैं अब कैसा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे बॉल की स्पीड इंक्रीज हो गई है। अब प्रेफरेंसेस में जाके फ्रेम रेट अभी मैंने किया था 10, अब 24 की बजाय फ्रेम रेट 40 कर देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं, तो मेरी बॉल की जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है। तो इस तरह से जो है हम अपनी एनिमेशन की जो मूवमेंट है उनको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन कंट्रोल एंड इंटरफेस कंट्रोल भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से एंड देन हम देखेंगे आगे क्या है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ एनिमेशन। अब एनिमेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, मूवमेंट्स को एनिमेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या लगता है, एनिमेशन में लगता है, मूवमेंट में लगता है। जैसे अभी आपने देखा मैंने बॉल की मूवमेंट को अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम पे रखा है, और जब हम उसको प्ले कर रहे हैं तो वो लगता है कि बॉल एनिमेटेड है और वो मूव कर रही है। तो एनिमेशन रिक्वायर थिंकिंग अबाउट मोशन, टाइमिंग, स्मूथनेस ऑफ एक्शन। एनिमेशन के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना होता है एनिमेशन करने से पहले, वो है मोशन, कि किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने वाला है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप टाइमिंग क्या रखने वाले हो। अभी जैसे मैंने टाइमिंग, अगर मुझे मैंने 15 या 20 की फ्रेम्स का जो गैप देके उसको बॉल को बाउंस करवाया है, बट ये उतना स्मूथ नहीं है,
अगर हमें स्मूथ करना है तो टाइमिंग को इससे कम ज़्यादा करके हम लोग सेटिंग करते हैं। स्मूथनेस ऑफ एक्शन, अगर आप देखोगे मैंने बॉल को एक सिमेट्री में रखा है कि अगर जब वो बाउंस कर रही है एक लेवल पे, ये नहीं होता कि एक बारी बॉल जो है वो 10 इंच पे बाउंस कर रही है एंड सेकेंड टाइम 15 पे एंड देन 5 इंच पे, तो वो मतलब वो लगता नहीं कि वो सिमेट्रिक है। हाँ, बॉल की अगर हम लोग मोशन की बात करेंगे, अगर स्टार्टिंग में अगर बॉल बहुत तेज़ बाउंस कर रही है, अगर आप उसको रियलिस्टिक दिखाना चाहते हो तो टाइम के हिसाब से उसकी जो मूवमेंट है, जो उसका बैलेंस है, वो कम हो जाना चाहिए, तभी जो आपका एक्शन जो है वो स्मूथनेस में दिखेगा। तो माया सॉफ्टवेयर में हम किसी भी चीज़ को जो है एनिमेटेड बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नर्व को, किसी भी चीज़ को जो है माया में हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। माया सिंप्लीफाई योर वर्क इन क्रिएटिंग द एसेंस ऑफ एनिमेशन, टाइमिंग एंड मोशन। विद माया यू कैन एनिमेट वर्चुअली एनी थिंग यू कैन इमेजिन, नो मैटर हाउ सुरियल। तो माया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जो चीज़ भी आप सोच रहे हो उस चीज़ को डिज़ाइन करके, चाहे वो चीज़ इमेजिनरी है या टेंजिबल है, रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, तो माया वो सॉफ्टवेयर है जो आपको फुल फ्लेज फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उस तरह के अपने करेक्टर को या अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, डिज़ाइन करके उसमें एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये अभी जो हमने जिसकी बात की थी एनिमेशन कंट्रोल की, जिसमें हम टाइम स्लाइडर है हमारा, रेंज स्लाइडर है, प्लेबैक कंट्रोल्स हैं, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, प्लेबैक कंट्रोल, एनिमेशन प्रेफरेंसेस, ये सारा भी हमने माया के सॉफ्टवेयर में देखा है। यहाँ पे ये हमारा टाइम स्लाइडर है, ये जहाँ से स्टार्टिंग और एंड पोजीशंस डिफाइन की हुई है, ये हमारा रेंज स्लाइडर है, जहाँ से अभी हमने सेट किया था इसका फ्रेम रेट, ये प्रेफरेंसेस की ऑप्शन है। तो माया में हम लोग इस तरह से अपनी एनिमेशन को विद द हेल्प ऑफ टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर और प्रेफरेंसेस की हेल्प से एनिमेशन की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। तो टाइम स्लाइडर पे हम लोग, मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके बताया है कि किस तरह से टाइम स्लाइडर के अलग अलग टाइम वैल्यू को सिलेक्ट करके, देन कीबोर्ड से जब हम एस की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे टिक क्रिएट हो जाता है जो हमारे एनिमेशन की फ्रेम को स्टोर करता है। की फ्रेम बेसिकली एनिमेशन की या ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर मोमेंट को उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर रखता है, ताकि जब प्ले हो तो जब वो उस की फ्रेम पे आए तो वो ऑब्जेक्ट उस नंबर और उस टाइम पे दिखे। की टिक जो है, ये आपने अभी देखा था अभी प्रैक्टिकल करते टाइम, कि की टिक जो है वो हम लोग टाइम स्लाइडर पे करंट टाइम और एनिमेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कीबोर्ड के एस की से क्रिएट होता है। करंट टाइम फील्ड, ये जो रेड मार्क दिख रहे हैं आपको सारे, ये की टिक्स हैं जो की फ्रेम्स को स्टोर कर रहे हैं, की फ्रेम को डिफाइन कर रहे हैं, और ये वाला जो है ये करंट टाइम है। उसके बाद रेंज स्लाइडर है हमारा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। इस तरह से माया में ये स्टार्ट की रेंज है और ये एंड रेंज है। उसके बाद एनिमेशन का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्टार्ट प्लेबैक टाइम, एंड प्लेबैक टाइम, रेंज बार, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये है इसका स्टार्ट टाइम, ये है एंड टाइम, यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, और ये हमारे इसका टाइम रेंज स्लाइडर का एंड है, लेकिन एनिमेशन मेरी यहीं तक है। उसके बाद ये प्ले, स्टॉप, नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए ऑप्शंस बनी हुई हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंसेस मेन्यू बार आ जाता है। प्रेफरेंसेस मेन्यू बार में हमारे पास माया की ऑलमोस्ट सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, जैसे इसका इंटरफेस कैसे चेंज करना है, फ्रेम रेट, प्लेबैक की सेटिंग, एक्टिव वैल्यूज़, उसके बाद मैनिपुलेटर्स की अगर आपने सेटिंग करनी है, मैनिपुलेटर्स का साइज़ वो चेंज कर सकते हो, पॉलीगन प्रिमिटिव जब वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होते हैं तो उनका साइज़ आप चेंज कर सकते हो, कलर हम चेंज कर सकते हैं, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर मैनेजमेंट है ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कैमरा की सेटिंग कर सकते हैं,
फाइल प्रेफरेंसेस, मॉडलिंग कैसे जो हम डिज़ाइन करते हैं इसमें उनकी सेटिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग की सेटिंग कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस टूल बार में ऑलमोस्ट हमें हर चीज़ की सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट को हम कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में कितने फ्रेम एक साथ प्ले करेंगे हम, उसको हम लोग फ्रेम रेट कहते हैं। और फ्रेम रेट आप जितना ज़्यादा करोगे आपकी एनिमेशन उतनी स्लो होगी, फ्रेम रेट आप जितना कम करोगे एनिमेशन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि पर सेकंड में या पर मोमेंट में आपके उतने फ्रेम एक साथ चलते हैं। तो अगर फ्रेम रेट कम कर दोगे तो मैक्सिमम फ्रेम ज़्यादा जल्दी प्ले होंगे तो इसलिए एनिमेशन फास्ट दिखेगी, और फ्रेम रेट अगर आप ज़्यादा लोगे तो एनिमेशन उसी हिसाब से फिर स्लो चलेगी। रेंज जो है वो डिफाइन करती है कि आपने टोटल कितने फ्रेम यूज़ किए हैं, और की से हम लोग जो है वो एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं और की फ्रेम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें टाइम स्लाइडर क्या है, रेंज स्लाइडर क्या है, फ्रेम रेट क्या क्या है, तो ये हमने सारी प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी देखा है। उसके बाद टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर का डिफरेंस, टाइम स्लाइडर इंडिकेट करता है स्टार्टिंग और एंड टाइम, और रेंज स्लाइडर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या है। जैसे सपोज टाइम स्लाइडर मेरा है 1 से लेकर 200 के बीच में, लेकिन जो मेरी एनिमेशन है वो 15 से 100 के बीच में है, तो टाइम स्लाइडर जो है वो टोटल टाइम डिफाइन करेगा 1 to 200, लेकिन जो मेरा रेंज स्लाइडर है वो डिफाइन करेगा मेरी एनिमेशन कहाँ से कहाँ तक प्ले हो रही है। द नेक्स्ट है टाइम लाइन एंड कीज, ये भी डिफाइंड किया हुआ है हमने। टाइम स्लाइडर ऑलरेडी डिफाइंड है, एनिमेशन कंट्रोल और इंटरफेस जिसके बारे में भी हमने सारा डिस्कस किया, जिसमें प्ले, पॉज, प्रीवियस, नेक्स्ट, फॉरवर्ड सारी ऑप्शंस आती हैं, और इंटरफेस में हम लोग कैसे प्रेफरेंसेस में जाके जो है चेंजेस करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। सो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने आज एनिमेशन के कंट्रोल और उसको किस तरह से प्ले किया जाता है और फ्रेम रेट को कैसे चेंज किया जाता है ये सब देखा।